हम करेले का भरवा बना रहे हैं। आज हम करेले का भरवा बना रहे हैं, तो इसके लिए हम करेला को छील कर ले लिए हैं और प्याज और उसका अंदर का गुदा निकाल लिए हैं। इसको हम खोखला कर लिए हैं और अब हम इसको बना रहे हैं। हम एक चम्मच ये पचफोरन बोलते हैं ये हम डाल दिए। ये चटक जाने के बाद हम प्याज डालेंगे। प्याज डाली, ये जितना निकाला हुआ उसका छिलका और प्याज, ये अंदर का जो भाग था उसको हम सब एक साथ डाल देंगे और हल्का सा हम इसको भून लेंगे। हल्का सा हम इसको भून लेंगे। वन स्पून, वन एंड हाफ स्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। अब हम इसे हल्का भून लिए हैं, इसमें मसाला डाल रहे हैं। लहसुन डाल दिए, ये धनिया, हल्दी और ये पीली सरसों पीस लिए हैं, ये डाल रहे हैं। ये हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। अब इसको हल्का चलाकर इसमें हम थोड़ा खट्टापन लाने के लिए टमाटर का ग्रेवी बना लिए, प्यूरी बना लिए हैं, इसको हम डाल देंगे। मसाला भून गया है, अब हम इसमें जितना हम ये बनाए हैं इसको हम इसमें डाल देंगे। और हम टमाटर इसलिए डालते हैं, टमाटर की जगह पे इमली या नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन हम टमाटर डाले हैं। कोई भी खट्टापन, खट्टा, हल्का खट्टा चीज डाल सकते हैं हम। और ये हम इसमें पानी एक गिलास डाल देंगे और इसको मसाले के साथ, अब ये हम जो पानी डाले अब ये मसाला में ये थोड़ा देर पकेगा। ये हमारा कच्चा है तो ये मसाला के साथ पकेगा, तो इसकी स्किन पे ये अच्छा पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको भर के तलेंगे। तो आगे की आगे ये पक जा रहा है। तो फिर ये हमारा मसाला भून गया है, अब हम इसको इसमें निकाल लेंगे। खूब अच्छे से सूखा भून लिए और इसमें से हम करेला भी निकाल लिए हैं। करेला मसाला में डालने से इसकी स्किन पे अच्छा टेस्ट हो जाता है और सादा नहीं रहता। बहुत में ऐसे भी सादा लोग बॉयल करके भी बनाते हैं, लेकिन ये मसाला में डालने से इसका अच्छा टेस्ट हो जाता है। और अब हम इसको ये हम मसाला भर लिए, भर रहे हैं सभी में। ये जो हम मसाला भूने थे इसको हम अच्छे से इसमें भर ले, भर के और सभी में इसी तरह भर लेंगे। ये हटा दें कि खाली, अब हम सारा भर लिए हैं ये। अब हम इसको तलते हैं। तलने के लिए सरसों के तेल में सभी को हम तल देंगे। हाँ, ये हमारा फ्राई हो गया है, सभी हमारा फ्राई हो गया। ये फ्राई हो गया, अब हम सर्व करने के लिए इसको निकालेंगे। अब ये हमारा सर्व करने के लिए तैयार है।